राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जोर आजमाई शुरू हो गई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनाव को लेकर सभी के मन में हलचल बढ़ती जा रही है। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। पिछली कड़ी में हमने बात की थी भोपालगढ़ विधानसभा सीट की, आज हम बात करेंगे सीकर विधानसभा सीट के बारे में। सीकर विधानसभा सीट अपनी कला और संस्कृति के लिए काफी मशहूर है। शहर के चारों ओर 7 गेट की किलेबंदी है। शहर के मशहूर ऐतिहासिक दरवाजों को बावरी गेट कहा जाता है। सीकर विधानसभा सीट से कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने अपने पुराने चेहरे को ही मैदान में उतारा है। बीजेपी ने फिर से एक बार रतनलाल जलधारी पर दाव खेला है, तो वही कांग्रेस ने एक बार फिर से राजेंद्र पारेख को मैदान में उतारा है। इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में सीट पर लगभग 2,87,155 मतदाता है जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। वही अगर यहाँ के जातिगत समीकरण पर गौर करें तो ये सीट ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, पर इसके अलावा इस सीट पर जाट और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है, जो किसी भी प्रत्याशी की हार जीत का समीकरण तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के विधायक राजेंद्र पारेख के बारे में। तो आपको बता दें, राजेंद्र पारेख सबसे पहले नोवी विधानसभा से विधायक बने थे। वो शुरू से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और गहलोत सरकार में उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं। राजेंद्र पारेख के बाद बात करते हैं रतनलाल जलधारी के बारे में। जलधारी 2013 में सीकर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। 2018 में भी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था, लेकिन वो हार गए थे। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें, यानी पिछले विधानसभा चुनाव की, तो आपको बता दें सीट पर 2,62,329 मतदाता थे, जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र पारेख को 83,472 वोट देकर जिताया था। तो वही भाजपा उम्मीदवार रतनलाल जलधारी को 68,292 मतदाताओं का भरोसा ही हासिल हो पाया था और वो 15,180 वोटों से चुनाव हार गए थे। सीकर विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। अब तक हुए यहाँ चुनाव में कांग्रेस ने 5 बार जीत हासिल की है, तो वही बीजेपी यहाँ सिर्फ 2 बार ही अपना परचम लहरा पाई है। ऐसे में इस बार देखने लायक होगा क्या इस बार भी इस सीट पर कांग्रेस अपना जादू दिखा देगी, या फिर कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी अपना परचम लहराने में कामयाब हो जाएगी। द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।